इस वाले लोकेशन को देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है बॉलीवुड का, गा के सुनाऊं? चिटिया कलाइया वे, ओ बेबी मेरे, ओ माय गॉड। उसे लगा कि हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी। ये अंकल जाने के टाइम पे भी पी रहे थे, अभी भी पी रहे हैं। ये नहीं थी है? आप जब भी क्यों तो आएँ या जापान में कहीं भी जाएं या कहीं भी किसी भी देश में कहीं भी जाएं, जहाँ जिस प्लेस में आप मतलब फैमिलियर नहीं हैं, तो आप जहाँ गाड़ी पार करते हैं उसके लोकेशन को अपने माइंड में सेट कर लीजिए या गूगल मैप पे उस लोकेशन को सेव कर लीजिए, क्योंकि बाद में गाड़ी ढूंढनी पड़ती है। जैसे कि मैं अभी ढूँढ रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने धनो कहाँ पार करी, और वो फ़ोन भी नहीं कर सकते उसको, तो अब गाड़ी ढूँढनी है। आ जाओ। ऐसे होता है जब ऊपर ही देखो तो, यहाँ नहीं है, उधर उधर ही सही है, उधर है उधर, क्योंकि हम इतना मुड़े नहीं थे ना। यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है, मुझे लगता है -2 टेम्परेचर है अभी, तो कुल्फी जम गई, हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए। ग्लव्स है मेरे गाड़ी में, लेकिन मैं ग्लव्स लाना भूल गई। ऐसे होता है, फैशन में ठंडी लगती है ना, वहाँ है ही नहीं। मेरी बात मानो, यहाँ से चलो इधर आओ। ये स्टैंडिंग बार है, खड़े खड़े जितना पीना है पी लो, इतना ठंड में तो कौन पिएगा यार। अच्छा भाई, ऐसे आए थे हम सीधा सीधा यहाँ से। हाँ यहाँ हो गया आगे, और ऐसा नहीं कर सकते ना हम कि कहीं भी चले जाएं।
क्या मैं आपको दिख रही हूँ? आपको टावर दिख रहा है? टावर देखिए आप। वो रही, आखिरकार हम धनों के पास पहुंच गए। देखिए आप मेरी बात सुनिए, जब भी आप क्योटो आते हैं या टोक्यो जाते हैं या ओसाका जाते हैं, जापान की किसी भी जगह जाते हैं जहां आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, जहां पे आपको पता नहीं है जगह, तो जब आप गाड़ी पार्क करें तो प्लीज़ उस लोकेशन को माइंड में फिट कर लीजिए, या आजू बाजू में अगर कोई बिल्डिंग है या कुछ है याद रखिए, या फिर उस लोकेशन को सेव कर लीजिए अपने गूगल मैप पे, क्योंकि ऐसी पार्किंग यहाँ पे बहुत सारी थी और मुझे बड़ा टाइम लग गया गाड़ी ढूंढने में, धनों को ढूंढने में, तो इसलिए बी केयरफुल अबाउट दिस। अच्छा जी, तो एक बार और आपको दिखा देते हैं, देखो यहाँ से भी दिखता है ये। Ha ha ha.